साथी डैडी दरवाजा खोल, पीछे के दरवाजे से देखते हैं, पीछे का दरवाजा तो डैडी बंद रखते हैं, फिर भी देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये कोई बात हुई? इंस्पेक्टर दया की छुट्टी अभी खत्म भी नहीं हुई और उस पर आपकी छुट्टी शुरू भी हो गई। बॉस, मैं दया के लौटने से पहले ही लौट आऊंगा। दो ही दिन की तो बात है, भतीजे की शादी है, बस यूं गया, आशीर्वाद दिया और यूं लौट के आया। एक काम करना डॉक्टर साहब। क्या? वो सफेद कोट पहनकर आशीर्वाद मत देना, उसे यही छोड़ जाना। अरे यार, कभी तो जिंदा लोगों में वक्त बिताया करो, मुर्दों को छोड़कर। एक बात कहूं एसीपी साहब, मुर्दे ज्यादा अच्छे होते। अच्छा, क्यों? अरे कम से कम वो शादी में तो नहीं बुलाते, वरना यहाँ तो आज किसी के बेटे का जन्मदिन है, कल किसी भतीजी की एंगेजमेंट है, रोज कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अरे अब जा रहे हो तो खुशी से जाओ ना यार, ये मुंह लटकाए क्यों जा रहे हो? इनफैक्ट बाहर जाते वक्त भी मुझे मेरी लैब की चिंता रहती है, बट थैंक गॉड इस बार तो डॉक्टर असावरी हैं। हाँ, ये भी कुछ सीख के आई हैं, संभालेंगे। डॉक्टर असावरी, कोई गलती मत करना वरना लोग मुझ पर हंसेंगे कि कैसी असिस्टेंट छोड़ के गया है। डोंट वरी सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो, अच्छा कहाँ पे? दादर में, गुलमोहर रोड। ओके ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। बेसिकली दो घाव हैं, एक तो ऑब्वियसली ये है, यहाँ लिवर कट गया है, और दूसरा ये देखिए, यहाँ गले पर आर्टरी कट गई, चाकू ऐसे मारा गया होगा। मौत इन्हीं दो घावों की वजह से हुई। अच्छा, ये चाकू पिताजी नेपाल से लाए थे, इसे पेपर कटर की तरह इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर असावरी, ये बताइए मौत किस समय हुई होगी? सर, इंसान का शरीर मौत के बाद हर घंटे डेढ़ यानी कि 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से ठंडा होता है, तो उस हिसाब से इनकी मौत करीब 2:30 बजे 2:30 को हुई होगी। मौत 2:30 बजे, ये लोग कमरे में घुसे 4:15 बजे, हम लोग यहां पहुंचे 4:25 को, मौत 2:30 बजे। आप लोग बता सकते हैं कि यहां से क्या क्या गायब है? सोने की घड़ी, अंगूठी, इनके गले में सोने की चेन होती थी और सेफ में 10-15 हज़ार रुपए रखे रहते थे, जो अब नहीं है। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूं साहब। बताओ आज यहां क्या क्या हुआ? प्रधान साहब की तबीयत बहुत खराब थी साहब, उनके पेट में बहुत दर्द था अल्सर की वजह से। अल्सर? कब से? कल से ही पेट में दर्द था साहब, आज सुबह भी था। कहने लगे मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मैं घर पर ही रहूंगा, और वो कपड़ा बंद करके सो गए। फिर करीब 10:30 बजे मुझे बुलाया, कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। फिर करीब 1:15 बजे किसी प्रकाश का फोन आया साहब, 3-4 बार आया। प्रकाश? हाँ प्रकाश, और फिर वो खुद ही आ गए साहब। अच्छा। मैंने साहब को उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठे, तो मैंने उन्हें बाद में आने को कहा। फिर करीब 2 बज रहे होंगे साहब, प्रधान साहब उठे और उन्होंने एक एप्पल खाया। उस समय उनकी हालत बहुत खराब थी साहब, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब नहीं मिले, तो मैं खुद ही डॉक्टर मेहता के यहाँ चला गया। डॉक्टर मेहता मिले? नहीं मिले,
मैंने कंपाउंडर से कहा कि डॉक्टर साहब जितनी जल्दी आ जाए उन्हें घर भेज देना। फिर मैं यहां आ गया। देखा साहब सो चुके थे या फिर दर्द से बेहोश हो गए थे। करीब 4:15 किशोर बेटा आया, तब तक सांप मर चुके थे। 2:30 तुम कहां थे? 2:30 अच्छा तो आप यहां नहीं रहते? जी नहीं, मैं कोलाबा में रहता हूं। क्यों? मेरा अपना फ्लैट है वहां, कभी कभी आता हूं यहां पर। आज यहां कितने बजे आए आप? शायद 4:15। 4:15 2:30 कहां थे? मतलब 2:30 आप कहां थे? जी कार में था, यहां आ रहा था। तुम इस प्रकाश को जानते हो? कल रात को जब आया था तो पहली बार देखा साहब। कल रात को भी आया था? हाँ साहब, बहुत नाराज हो गया जब मैंने उन्हें साहब से नहीं मिलने दिया तो, और उसने एक चिट्ठी लिखी और पेन तोड़ दिया साहब। दिखाओ चिट्ठी, दिखाओ चिट्ठी। ये देखिए साहब, मैं कैसा आदमी हूं तुम शायद नहीं जानते। आई मीन बिजनेस। मैं शाम को वापस आऊंगा। प्रकाश, ये प्रकाश दिखने में कैसा है? पतला दुबला लेकिन खतरनाक दिखता है साहब। तुम किसी प्रकाश को जानते हो? प्रकाश? हाँ प्रकाश। नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। सर, सर ये देखिए सर। क्या? सर ये देखिए, यहाँ पैरों के निशान है सर। ये देखिए, यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ आने तक कदमों के निशान है। घर से दीवार तक और दीवार से घर तक से ये देखिए। आपको आगे भी दिखेंगे सर। ये देखिए, ये पीछे ही है। और सर यहाँ आइए, ये देखिए सर ये निशान। और सर ये देखिए, ये एक निशान है सर घर से दीवार तक जाने का। ये इतना साफ नहीं है। ये देखिए सर, और एक निशान वहां दीवार तक जाते हैं सर। ये देखिए यहाँ पे भी। और ये देखिए सर, सर 12 नंबर का जूता है। ठीक है, जितने भी निशानों के प्लास्टर कास्ट बन सकते बना लो। यस सर। एड्रेस? सर एक मिनट सर। बाहर चला गया सर। अच्छा, कोई उस तरफ से इधर कूदा और यहां से घर में गया और वापस यहीं से सर बाहर निकल गया। अभिजीत सर, आसपास के लोगों में पूछताछ शुरू करो। देखो किसी ने चिल्लाने की आवाज सुनी क्या 2:30 के आसपास, और किसी ने कोई अनजान आदमी को देखा क्या, ये भी पूछो इस एरिया में है? और आशा सर, किशोर और सुंदर के जूतों के भी प्लास्टर कास्ट बनाओ और उनके फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। पैर का एक जूता निकालिए। देखिए आप मुझ पर शक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए आप पहले जूता तो निकालिए, चलिए जल्दी कीजिए। ये हटाइए।
अब आप यहां आइए। अब वहां पर? हाँ हाँ आइए। वहां हूं? हाँ। सुंदर जी अब आप यहां आइए, आइए अपना पैर यहां रखिए। जूता निकालिए। अपने दाहिने पैर की चप्पल दीजिए, दीजिए। मैम साहब मेरी चप्पल कहाँ लीजिए? एक तो मालिक नहीं रहे और ये ऊपर से। हाँ ये रखिए रखिए। जूते के निशान कोई खून हुआ? हाँ सर वो वहाँ पर खून हुआ है, अगर वहाँ पर खून रहते ये मुझे मालूम है। अच्छा ये बताओ आज दोपहर को 2:30 बजे के आसपास तुमने यहाँ कुछ देखा? मेरा मतलब भाई कोई गाड़ी वाड़ी या और कुछ याद आता है? गाड़ी? हाँ गाड़ी। हाँ सर एक गाड़ी देखी थी करीब 2 बजे, बहुत चक्कर काट रही थी। मुझे याद आया मैं खाना खाने जा रहा था और जब मैं खाना खा के 3:30 बजे वापस आया तभी भी देखा वो गाड़ी चक्कर काटी रही थी। अच्छा कैसी गाड़ी थी? मेरा मतलब है उसका रंग या कौन सा मॉडल क्या कुछ याद आता है? वो गाड़ी नीले रंग की थी साहब। नीले रंग और मॉडल याद आता है कौन सा मॉडल था गाड़ी का? वो क्या कहते हैं ना स्टीम गाड़ी थी। स्टीम? टीम आपकी है? जी जी हाँ मेरी गाड़ी है। अच्छा आपने बताया था कि आप यहाँ याद नहीं आ रहा है क्या टाइम बताया था आपने कितने बजे आप यहाँ आए थे? यही कोई 3:40 3:45 हुए होंगे। इसके पहले भी आप यहाँ आए थे? जी हाँ कल रात को करीब 7 बजे। देखिए मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, घर में इतना कुछ हो गया, बहुत बहुत घुटन से महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर। मैं थोड़ा घूम के आना चाहता हूँ। सुधाकर सर जरा इनको अंदर ले जाओ। चलिए सर। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये यहां 3:40 को नहीं 2 बजे आया था। आप कहें तो मैं इसकी पूछताछ शुरू करूं? नहीं अभी वो बार बार यही दोहराएगा कि वो कार किसी और की थी और वैसे भी पान वाले ने कार वाले का चेहरा देखा नहीं है। आई एम श्योर सर यही है। मेरा भी यही ख्याल है। हमें बहुत ध्यान से काम लेना पड़ेगा। एक बेटा अपने बाप को क्यों मरवाएगा, क्यों किसी से कहेगा अपना घर लूटने के लिए? कोई बड़ा कारण ही हो सकता है। अभिजीत ये बाप बेटे का रिश्ता है, बहुत नाजुक मामला है। दूसरी बात, जिसने भी प्रधान साहब को मारा उसने घर में से ही चाकू उठा के उन्हें मारा है, समझे? घर में से ही उठा के, अपने साथ चाकू लेकर नहीं आया था वो। और क्योंकि वो चाकू लेकर नहीं आया था उसका इरादा प्रधान साहब को मारने का था ही नहीं, फिर भी उसने प्रधान साहब को मारा, क्यों बोलो? हो सकता है अचानक प्रधान साहब की नींद खुल गई होगी और चोर को उन्हें मारना पड़ा होगा। सर प्रकाश का नंबर प्रधान साहब की डायरी में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है सर। फिर भी हमें प्रकाश को ढूंढना ही होगा। वो चिट्ठी में लिख कर गया है ना कि वो वापस आएगा।
जी आप पुलिस ऑफिसर? जी हाँ, और आप? मेरा नाम जुगल है, मैं प्रधान का दोस्त हूँ। कुछ देर पहले मैंने फोन किया था तो एक ऑफिसर ने बताया कि प्रधान की मौत हो गई। जी हाँ। ओह गॉड, वो माफ कीजिएगा मुझे, पूछना ठीक तो नहीं होगा, लेकिन वहां 10 लाख रुपए मिले थे आपको सेफ में? 10 लाख? जी हाँ, 10 लाख। कल रात प्रधान का फोन आया था कि उसे 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने 10 लाख रुपए का इंतजाम किया और यही लाकर उसे मैंने दिए। नहीं, हमें कोई पैसे वैसे नहीं मिले, लेकिन प्रधान साहब को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी थी? मालूम नहीं, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने तो कोई नोट भी नहीं लिखवाया उससे, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मुझे क्या पता था कि प्रधान अब दुनिया में नहीं रहेगा। तो ये सब 10 लाख रुपयों के लिए हुआ है? सर, मगर हमने कंपाउंडर और केमिस्ट से बात की है जहाँ सुंदर गया था। फिर? सर, सुंदर सच कह रहा है, वो वाकई वहाँ गया था। ओ, तो दूसरा? सर, बाहर गार्डन में हमें जो जूते के निशान मिले हैं वो 12 नंबर के, और किशोर के जूते का साइज भी 12 नंबर का ही है सर, लेकिन ये दोनों जूते मैच नहीं होते। और ये छोटा जूता, ये सुंदर का है ना? जी, 8 नंबर का। अच्छा, और फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? सर, प्रधान के कमरे में हमें जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो उनके हैं, उनके नौकर के हैं और किशोर के हैं। अच्छा, मगर सर एक पेन पर हमें कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं। सर, ये वही पेन है जिससे प्रकाश ने नोट लिखा था। ओ, अच्छा। और सर, ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। दैट्स गुड, इसका मतलब है ये हमारे रिकॉर्ड्स पर। जी हाँ सर, आइए सर। सर, ये 7 साल पहले जुए के और बेटिंग के जुर्म में सजा काट चुका है। अच्छा? ये 35 साल का है सर, और इसके कई नाम है, लालिया, पप्पा, पट्टा वगैरह वगैरह। एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क? जी हाँ सर, जैसे सुंदर ने बताया था, उसके यहाँ गाल पर और यहाँ हाथ पर चाकू के जख्म के निशान है। चाकू के जख्म? इस प्रकाश का प्रधान जैसे आदमी के साथ क्या मतलब हो सकता है? किशोर पर कड़ी निगरानी रखो। हाँ सुधाकर, क्या खबर? किशोर का बराबर पीछा किया ना? हाँ सर, पहले थोड़ी देर वो अपने रिश्तेदारों के साथ था शमशान में, फिर गाड़ी चला के यहाँ आया। वो सामने खड़ी है गाड़ी, यहीं गया अंदर। सुधाकर, किशोर आ रहा है। ये लोग कौन है? शायद ये किशोर को पकड़ कर ले जा रहे हैं। तुम गाड़ी स्टार्ट रखो, हमें देखना होगा ये कहाँ जाते हैं, इनका पीछा करना होगा। चलो गाड़ी स्टार्ट रखो। सुधाकर, डॉक्टर सालूंखे, आप यहाँ? और मैं कहाँ आऊंगा भाई, मैं और मेरी फॉरेंसिक लैब अलग नहीं हो सकते। हाँ वो तो मालूम है, लेकिन आप तो शादी में गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अरे यार, जिनकी शादी थी वो लोग तो भाग गए ऊटी, तो मैं वहां क्या करता, मैं भी भाग गया। 1 घंटा पहले आया हूँ, स्टेशन से सीधा यहीं चला आया। सीधे यहाँ? घर पर भी नहीं है ना? यही तो, आपको जो मुर्दों के साथ बातें करने की आदत पड़ गई है ना, इसलिए आपका दिल कहीं नहीं लगता। यार क्या करूं, अब देखो आते ही आते मैंने प्रधान साहब के खून के बारे में सुना, अभी फाइल खोल ही रहा था कि आप आ गए। डबल स्टैबिंग का केस है सर। अरे ये क्या, ये है क्या, ये फोटो, ये लाश को किसी ने हिलाया था? नहीं, ये फोटो तो हमने तभी ले ली थी जब हम वहां पहुंचे थे। अच्छा, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? कैसी गड़बड़ सर? स्टैबिंग की। स्टैबिंग की? सर 2 वुंड्स थे, एक गले में आर्टरी पर, एक पेट में लिवर पर,
और चाकू वहीं लगा हुआ था सर, पेट में। नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये कैसे हो सकता है? कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। गलती? कैसी गलती? एसीपी साहब, ये आदमी चाकू लगने से नहीं मरा है। मगर सर। नहीं? Are you sure? 100% sure. ये बात तो मैं फोटो देखते ही समझ गया। प्रधान की मौत चाकू लगने से नहीं हुई है। नीचे फेंको फटाफट, नीचे रख पिस्टल, नीचे नीचे रखो, और तुम भी निकालो, नीचे रखो, ए गन रखो, नीचे नीचे रखो, नीचे रख, हाथ ऊपर। सुधाकर सर, गन उठाओ, मैं कवर करता हूं। हिलना नहीं, ए इस तरफ आ, चल खड़े रहे। अच्छा तो तुम ही प्रकाश हो, हैं? प्रधान साहब के घर में तुमने चिट्ठी छोड़ी थी, हैं? और इस किशोर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों किशोर जी, पिटाई विटाई हो रही है? जब पूछा था प्रकाश को जानते हो तो बोला था कि नाम तक नहीं सुना। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अच्छा तुम दोनों मिले हो क्या, हैं? और ये क्या चक्कर है, टेलीविजन फोन? सुधाकर पकड़ो इसे। बहुत हो गई कलाबाजी। अरे रे 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 प्रकाश जी, अरे कुछ बोलिए तो सही, हाँ बोलिए। आप ऐसे चुप चुप बैठे रहेंगे तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, बोलिए। अब देखिए अपने दोस्तों को देखिए, सारी कहानी सुना चुके हैं, क्यों बताया कि नहीं, हाँ? ऐसा गाना गाया इन दोनों ने कि मजा आ गया। अब बाकी का आलाप मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, बोलो। हाँ मैं बैटिंग करता हूं, किशोर किशोर मेरा एक क्लाइंट है, मगर एकदम बेकार क्लाइंट है। भगवान ऐसा क्लाइंट किसी को भी नहीं दे। धनाधन बैटिंग करता है और धनाधन हारता है, एक पैसा नहीं देता। 10 लाख रुपया देना था उसने मेरा, 10 लाख, 10 लाख रुपए, 10 लाख मुझे देने हैं प्रकाश को, और उस 10 लाख का ब्याज भी बाकी है। और उसे पैसा चाहिए है ना जी, और वो मुझे बहुत धमकियां दे रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो तुम अपने पिताजी के पास आए? हाँ, मैं गया उसके पास, रात को 9 बजे गया। मैंने बोला उसको कि देख बड़ा, अगर तेरे बेटे ने कल तक मेरा रुपया नहीं दिया तो तू उसका मुंह आखिरी बार देख ले। दूसरे दिन तुम फिर वापस गए अपने पिताजी से मिलने जी। हाँ मगर 3:45 को नहीं, 2 बजे है ना? तुम्हें किसी ने देखा है वहां पर 2 बजे? मैं गया था करीब 1:30 बजे, लेकिन मेरी घर में घुसने की हिम्मत ही नहीं हुई।
कि मुझे मालूम था कि डैडी फिर चिल्लाएंगे मुझ पर। बाद में तुम फिर वापस गए? जी हाँ, 4:15 बजे, क्योंकि मुझे कहीं और से पैसे मिलने की तो उम्मीद थी ही नहीं। और दूसरे दिन तुमने वहां 3-4 फोन किए। हाँ तो क्या करता, आखिर पता तो लगाना था मुझे कि पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वैसे मुझे लग रहा था शायद वो पैसा दे देगा, लेकिन लेकिन मैंने जितनी बार भी वहां फोन किए उतनी बार ही नौकर बोला साहब सो रहे हैं। तो तुम घर पे गए और नोट लिख के चले आए? हाँ, जब मैं वहां गया तो नौकर फिर वही बात बोला कि साहब सो रहे हैं। तो मैंने वहां नोट छोड़ा, उसको कहा कि देख मैं वापस आऊंगा। लेकिन साहब जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई है। सच कह रहा हूं साहब, मुझे नहीं पता था कि वहां क्या हुआ है, मुझे नहीं पता था, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा तो मैं बताता हूं क्या हुआ था। तुम्हें किसी भी हालत में प्रकाश के पैसों का इंतजाम करना था और तुम्हारे पिताजी वो पैसे तुम्हें देने वाले थे नहीं, तो 2:30 बजे तुम फिर वापस आए और पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुसे। तुम्हारे पिताजी सो रहे थे और तुम्हें सेफ में 10 लाख रुपए मिले जो पैसे वो तुम्हें देने वाले थे, लेकिन बीच में तुम्हारे पिताजी उठ गए और तुमने उन्हें नहीं नहीं नहीं। तो फिर बाहर गार्डन में तुम्हारे जूतों का प्रिंट कैसे मिला 12 नंबर का? तुम्हारे जूते का साइज क्या है? क्या साइज है तुम्हारे जूते का? 10 नंबर है। 10? और ये इसका? इसका भी 10 नंबर है सर। और उसका? इसका 12 नंबर है सर। 12? सर प्रकाश के आदमी का पैर 12 नंबर का है। सर किशोर के जूते का साइज भी 12 ही है। हाँ लेकिन दोनों ही कह रहे थे कि खून से उनका कोई मतलब नहीं है। वो चाहे कुछ भी कहें एसीपी साहब, लेकिन हमसे थोड़ी गलती हो गई है। डॉक्टर असावरी से लाश को जांचने में कुछ गलती हो गई है। गलती? जी हाँ, फोटो को देखते ही मैं समझ गया था कि अगर गले की आर्टरी कटी है तो खून के बहने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए था। लेकिन सर वैसे भी थोड़ी देर के बाद खून तो रुक ही गया होगा ना। हाँ जरूर, मगर एक मिनट देखिए, ये हार्ट मशीन है और इसे आप दिल समझिए और ये ट्यूब्स आर्टरीज धमनियां। अब मैं पंप से इस दिल की धड़कनें शुरू करता हूं। ये देखें खून कितनी तेजी से बहने लगा है। अब मैं इसकी एक आर्टरी काटता हूं। डॉक्टर सावरी यू पंप इट। और अब मैं दिल की धड़कन बंद कर देता हूं। डॉक्टर असावरी पंप करना बंद करो। देखिए खून कितना आहिस्ता से बह रहा है। फोटोग्राफ में भी ऐसा ही था, लाश के पास बहुत सारा खून होना चाहिए था पर खून था नहीं। मतलब जब प्रधान साहब को चाकू मारा गया तो वो पहले से ही मरे हुए थे, चाकू से नहीं मरे। जी हाँ, मौत का समय 2:30 बजे का था लेकिन ये चाकू लगने का समय नहीं था। जी सर, बॉडी का खून जितना बह गया था उसे बताया जा सकता है कि चाकू लगने का वक्त 2:50 का रहा होगा। बराबर, अब आपका तीर लगा है निशाने पर। I'm extremely sorry सर, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल घाव को देखकर मैंने सोचा कि मौत चाकू की वजह से हुई। हो जाता है भाई कभी कभी, आदमी काम के प्रेशर में कभी कभी गलती कर बैठता है। बच्ची ये बाल ऐसे ही नहीं गए। अरे डॉक्टर साहब ये बाल कहानी छोड़ो और ये सोचो कि प्रधान साहब चाकू से नहीं मरे तो उनकी मौत हुई कैसे। हाँ, या ये हो सकता है कि वो अपने ही आप मर गए हों, जैसे हार्ट अटैक वगैरह, या फिर किसी दूसरी तरह से उनकी हत्या की गई है। हाँ, जैसे कोई जहर खिलाकर। अच्छा, लाश को फिर से एक बार चेक करना चाहिए। लेकिन लाश तो परिवार वालों को दी जा चुकी है, शायद उन्होंने उसे जला भी दिया होगा। सर एक बार फिर भी देख लेते हैं, शायद लाश मिल जाए। चलो लेट्स गो। यू टेक केयर। धन्यवाद तो आप लोग यहाँ पर आए। ये तो प्रधान साहब की जीजा जी। अच्छा, अस्थि का घड़ा लग रहा है हाथ में। नमस्ते सुमित साहब। नमस्ते एसीपी साहब, मैं प्रधान के फूल चुनने के लिए आया था, बस अब इन्हें लेकर जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करना चाहते थे। पोस्टमार्टम?
लेकिन अब तो शरीर ही नहीं रहा सर, कैसे पता चलेगा कि प्रधान साहब की हत्या कैसे हुई? देखिए, जो होना था सो तो हो गया, अब मरे हुए आदमी को बार बार क्यों तकलीफ देगी? इन अस्थियों को ले जाकर हम नासिक में बहा देंगे, बेचारे की आत्मा को शांति मिलेगी। माफ कीजिए सुमित साहब, अगर इन अस्थियों में से थोड़ी सी राख हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। राख? ठीक। किशोर, जब 7 बजे तुम अपने पिताजी से मिलने गए तब उनकी हालत कैसी थी? वैसे तो वो ठीक ठाक थे, लेकिन मुझसे मिलने के बाद वो बहुत गुस्सा हो गए और उनकी टेंशन भी बहुत बढ़ गई, और शायद इसी वजह से उन्हें अल्सर का अटैक आ गया होगा। अच्छा, और तुम बताओ, 9 बजे जब तुम प्रधान से मिले तब वो तुम्हें कैसे लग रहे थे? वैसे तो ठीक ठाक ही लगा वो। हाँ, अब अगर मुझे देखकर उसकी हालत खराब हो गई हो तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, और जुगल तुम बताओ। जी जी, मैं जब मिला था उनसे तो वो कुछ टेंशन में दिख रहे थे, चेहरा थोड़ा फीका पड़ा था। अच्छा जी। सुंदर, ये बताओ कि उन्हें दर्द कब शुरू हुआ? इन लोगों के जाने के काफी देर बाद, करीब 11:30 बजे। प्रकाश, जुगल, सुंदर, प्रधान बीमार थे मगर ये बीमारी अल्सर की वजह से नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था। किशोर ने, प्रकाश ने, जुगल ने और सुंदर ने जो जो बातें हमें बताई हैं उनसे भी यही कंफर्म होता है। अच्छा जी हाँ, आर्सेनिक पॉइजनिंग लगती है, उन्हें आर्सेनिक दिया गया था। आपको कैसे पता चला? आर्सेनिक मरने के बाद भी शरीर में रहता है, नाखूनों में, बालों में। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पास तो सिर्फ राख थी, नाखून और बाल कहाँ थे? अब सभी कुछ बता दूंगा तो डॉक्टर सालुखे की नौकरी नहीं चली जाएगी। एनीवे, ये देखिए, ये इस बीकर में थोड़ी सी राख डाली और इसमें ये एसिडिक सॉल्यूशन मिलाया। अब इसमें सब कुछ घुल जाएगा लेकिन आर्सेनिक नहीं घुलेगा। अभी आर्सेनिक गैस बनेगा और गैस इस ट्यूब से होती हुई इस केमिकल रिएजेंट में आ जाएगी और इसका रंग सफेद से गुलाबी हो जाएगा। बदल गया, जितना ज्यादा आर्सेनिक होगा रंग उतना ही गाढ़ा होगा। बाद में चार्ट से रंग मैच करके देखा, तुरंत पता चल गया कि कितना आर्सेनिक दिया गया। कितना? 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम। सीधा ऊपर, 12 से 48 घंटे लगे होंगे। मतलब प्रधान साहब के मरने के एक रात पहले उन्हें आर्सेनिक दिया गया होगा और दूसरे दिन ये सोच के कि कहीं वो बच ना जाए चाकू मार दिया। जी हाँ, मगर खूनी को यह मालूम नहीं होगा कि प्रधान साहब सो नहीं रहे बल्कि मर गए। कौन कौन रात को मिले थे प्रधान को? किशोर 7 बजे, फिर प्रकाश 9 बजे वहां गया, फिर जुगल, फिर सुंदर। आर्सेनिक 12 से 48 घंटे, 12 से 48 घंटे। किशोर 7 बजे, जुगल 10 बजे। एक काम करो सर, प्रधान साहब के घर जाओ और किशोर का कमरा चेक करो। लेकिन सर, किशोर तो वहां रहता ही नहीं है। देखो तो सही, शायद 12 नंबर का जूता मिल जाए कहीं पे। वैसे
ये कमरा बहुत दिनों से बंद है साहब। अच्छा, 2 साल पहले जब उन्होंने अपना घर खरीदा तभी से बंद पड़ा है। जब किशोर जी यहाँ आते थे अपने पिताजी से मिलने के लिए, यहाँ रहते थे क्या? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहते थे। कभी कभी ये कमरा खोलते थे, कभी कुछ निकालते थे, कभी कुछ रखते थे। रखते थे? क्या रखते थे? अब हमें क्या पता साहब, हमें तो यहाँ आने से मना किया हुआ था। और साहब के मूड का क्या भरोसा साहब, पता नहीं कभी क्या कर बैठे। सर जूते 12 नंबर। 12 नंबर? 12 नंबर ना, एकदम सही। न सिर्फ ये जूता 12 नंबर का है, बल्कि ये वही जूता है जिसके निशान हमें प्रधान के घर के पास मिले। ये देखिए, ये है वो प्लास्टर कास्ट जो वहां से बनाया गया, और ये है वो जूता। एकदम परफेक्ट मैच। अब इस जूते को ध्यान से देखिए एसीपी साहब, इसके आसपास जो मिट्टी है ये उसी गार्डन की है, और ये मिट्टी जूते के बाहर तो है ही, जूते के अंदर भी है। जूते के अंदर? जी हाँ, जूते के अंदर। ये देखिए, है ना कमाल? डॉक्टर साहब, मैं समझ गया आपका इशारा किसकी तरफ है। अब मुझे मालूम है ये खून किसने किया है। प्रकाश को तो कुछ मिलने वाला था नहीं प्रधान साहब को मार के, क्योंकि जो कुछ भी मिल सकता था वो भी हाथ से चला जाता। अब जुगल साहब कहते कि ये वहां पैसे देने गए थे प्रधान साहब के घर, मगर वो पैसे किसी ने देखे ही नहीं। शायद आप पैसे लेकर गए ही। अब ये भी कोई बात हुई? नहीं नहीं, बात नहीं, बस ये एक थियोरी है देखने के लिए कि क्या हुआ होगा। अब हम आते हैं सुंदर पे। मैं? हाँ, हो सकता है कि मिस्टर जुगल ने वाकई 10 लाख रुपए प्रधान साहब को दिए हो। हाँ हाँ, ये सच है। सुंदर ने वो पैसे देख लिए, लालच आ गया और मालिक मारा गया। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैंने मालिक का नमक खाया है। अच्छा चलो, तुमने मालिक का नमक खाया है तो फिर कौन? किशोर, उनका बेटा। हाँ, प्रधान साहब की मौत का सबसे बड़ा फायदा होगा किशोर को, उसे उनकी जायदाद मिली। क्यों किशोर, है ना? ये आप क्या कह रहे हैं सर, कोई बेटा अपने बाप का खून क्यों करेगा? किशोर पिताजी से मिला 7 बजे। अगर किशोर ने अपने पिताजी को जहर खिलाया होता तो उसका असर घंटे 2 घंटे में हो जाता और उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब प्रकाश और जुगल प्रधान साहब से मिले तो उनकी तबीयत ठीक थी। इसका मतलब है खून किशोर ने नहीं किया है। तो फिर किया किसने भाई, किसने किया है? ये तो सिर्फ ये जूता ही बताएगा। जूता? हाँ, ये जूता किशोर का पुराना जूता। किसी छोटे पैर वाले ने अपनी कीचड़ से सनी चप्पल पहन के ये जूता पहना और फिर ये जूता पहनकर गार्डन में चल के इसके निशान बनाए, ये दिखाने के लिए कि कोई 12 नंबर का जूता पहनकर बाहर से आया और प्रधान साहब का खून कर गया। इस जूते के अंदर जो दूसरी चप्पल का डिजाइन है वो है सुंदर की चप्पल। चप्पल निकालो, चप्पल निकालो, निकालो। क्या है ये? ये कैसे हो सकता है साहब? मैं मालिक का कैसे खून कर सकता हूँ? कोई झूठ बोल रहा है साहब, मुझे कोई फंसा रहा है। मैंने तो मालिक का नमक खाया है साहब। नमक खाया है? अचानक मुझे 10 लाख रुपए दिख गए और मेरा दिमाग खराब हो गया। मगर ये आर्सेनिक कहां से आया? घर में चूहे मारने की दवाई है या पेड़ पौधों के कीड़े मारने की दवाई है? घर में चूहे मारने की दवाई है। मैंने सांप को दूध में घोलकर पिला दी। मगर प्रधान साहब दूसरे दिन दोपहर तक बच गए। वो ये समझते रहे कि दर्द अल्सर की वजह से हो रहा है। तुम 2:30 बजे डॉक्टर को बुलाने गए थे ना? अगर मैं नहीं जाता तो शाम को वो खुद ही डॉक्टर को बुला लेते और डॉक्टर समझ जाता कि ये जहर का मामला है।
फिर मैं वापस आया और साहब के कमरे में चला गया। टेबल से चाकू उठाया और मार दिया। मगर तुम्हें यह मालूम नहीं था कि प्रधान साहब पहले ही मर चुके थे। तुम्हें प्रधान के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।